नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। शुरुआत करेंगे दोपहर की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 12 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने 2 नवम्बर को विंडफॉल टैक्स के संशोधन किया है। इसके साथ ही कच्चे पेट्रोलियम पर निर्यात शुल्क 11,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इसके अलावा एटीएफ पर निर्यात शुल्क 3.50 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपया प्रति लीटर किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कटौती 2 नवम्बर को 2022 से लागू होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत की कमी आने के बाद घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का विंडफॉल टैक्स 13,300 से घटाकर 10,500 रुपए प्रति टन कर दिया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर भी कर लगाया था। हालांकि केंद्र सरकार ने बात की इससे लेकर समीक्षा की थी, जिसके बाद इसे पेट्रोल को बाहर कर दिया गया था। इससे पहले 31 अगस्त को समीक्षा बैठक में घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 13,000 से बढ़ाकर 13,300 कर दिया गया था। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट साल 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में वर्ष 2009 में गिरफ्तार आरोपियों को रिहा करने का भी आदेश दिया है। तीनों आरोपियों को सितंबर 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय की 21 वर्षीय छात्रा निकिता सिंह के सिर में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। निकिता सिंह का शव मुंडका गांव में फार्म हाउस में पॉलिथीन बैग में मिला था। हत्या को जब अंजाम दिया गया था जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया जाए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा वर्ष 2020 में उन्हें सुनाई कही जा सजा रद्द कर दी थी। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने दुबे द्वारा दायर यशु विनीत और सुशील कुमार की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा हत्या का दोषी करार दिया जाने के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने यह फैसला 31 अक्टूबर को सुनाया। बता दें कि निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को फरीदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फास्ट ट्रैक कार्ड ने बुधवार को मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके सहयोगी रोहन को साजिश, अपहरण और हत्या के दोषी ठहराया था। अन्य दो को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी को मोहम्मद अजरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया था। वहीं कोर्ट के फैसले से निकिता का परिवार निराश था। मां विजय वैती ने कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम अपने वकीलों को बात करेंगे और उच्च न्यायालय जाएंगे। जब तक आरोपी को फांसी नहीं हो जाती तब तक न्याय के लिए लड़ेंगे। बहुत कुछ दबा दिया गया है। आरोपी प्रभावशाली परिवार से है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। फरीदाबाद पुलिस ने मामले में 700 पन्नों को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने 23 नवंबर को आरोपी खिलाफ भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।